आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि मलिक का ग्रुप है अगेंस्ट सरफराज, जिसमें इमाद है, बाबर आजम है और एक और आदमी है, वो कौन है, वो जो है वो आसिफ, इन तीनों ने ग्रुपिंग की हुई है और इमाम ने इनसे वादा किया हुआ है, और हाँ इमाम भी, इमामुल हक भी, दे आर ऑल डेड अगेंस्ट सरफराज एंड दे हैव शेडो कैबिनेट जो अपनी बनाई है, उसमें इन्होंने इमाद को रखा है कि इसको कप्तान बनवाना है। और शुएब मलिक तो मैंने उसके साथ शूट किया था एड, तो मैंने उसके मुंह पे पूछा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सरफराज के साथ, तो उसका मुंह छोटा सा हो गया था। उसने कहा अंकल आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं। मैंने कहा यार देखो मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ उम्र में और मेरे तजर्बे क्रिकेट के, तुम तो अभी पौधने हो, तुम खेल रहे होगे क्रिकेट, तुमने मेरे सामने डेब्यू किया था, मैंने तुमसे कहा था विकेट लेकर आओ, तुम विकेट लेकर आए थे, तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर बिहेव करोगे अच्छी तरह रहोगे तो कप्तान बनोगे 10 साल के अंदर, और 10 साल के अंदर तुम कप्तान बने थे। कहता मुझे हर चीज़ याद है। मैंने कहा हाँ तो मुझसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत मत करो, मैं तुमको जानता हूँ कि तुम किस मिशन में हो उस वक्त, तुम्हारा हेड है इंज़मामुल हक, वो अपनी, और एक और कुत्ता है सिलेक्शन कमेटी में जिसका नाम है हारून रशीद, जो लाहौर में कब्ज़ा का एक बकौल फैसल इकबाल के, वहाँ ये किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते कराची वाले को कि कप्तान बन जाए, वो तो एहसान मानी ने और ये वो करके ओपन कर के तुम ही रहोगे कप्तान, तो इनके तो चेहरे उतर गए, मर गए ये लोग तो, वरना अगर नजम सेठी रह जाता तो वो तो इसको उड़ा देता, और उसने कह भी दिया था इससे PSL पे टीम जा रही थी खेलने के लिए कि इमाद तुम अच्छा खेल कर आओ मैं तुम्हें कप्तान बना दूंगा। बताइए कप्तान बैठा हुआ है टीम का, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चुतियापे की बात इस तरह की कर रहे हैं, आप चेयरमैन है या क्या, कौन है आप, ये क्या आपकी जागीरदारी है क्या है। और मैंने नजम सेठी से खुद कहा ये, मैंने कहा सेठी साहब आप, आई थॉट यू आर अ मैच्योर्ड मैन एंड ये कुछ, कह लगे यार वो बस मैं कह गया जज्बात में आ गया या यू नो आइए, वो उसकी बेटी तो मेरे बीवी के भतीजे से उसकी नवंबर में शादी है, मंगनी हो चुकी है, वो ईशान जानता है, वो आया था देखा था, उसने मीरा से मिला भी था, तस्वीरें भी खींची थी हम लोगों ने, हम मैच में गए थे जब ये सेठी चेयरमैन था और हमने बड़े रॉयल तरीके से मैच देखा था। तो बात ये है कि एक अगर टीम के अंदर ग्रुपिंग हो जाए, आपने देखा कि शुएब ने थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप सीरीज़ एक इन्होंने विकेट लेके बहुत बड़ा एहसान कर दिया, वो भी उनका विकेट इसलिए हुई कि क्लासिकल कैच पकड़ा था उसने सरफराज ने, वरना इन्होंने कोई कमाल की ऐसी नहीं किया था, असल कमाल सरफराज का था, जिपिंग बॉल थी वो पकड़ ली थी उसने। ये कमीना जो है ये अपने, अच्छा इनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी उस पर ये फंस गए, सानिया ने इनकी ऐसी तैसी फेर दी बुला के दुबई, वो तो आने भी नहीं दे रही थी, वो तो तलत अली ने फ़ोन करके कहा आप अगर ऐसा करेंगी तो इनको पेनल्टी होगी कई करोड़ रुपए की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर आप नहीं आएंगे और ये वो, तो 1 करोड़ रुपए पेनल्टी है प्लेयर पे अगर वो किसी अकड़ में और किसी में ना आए, ये साले ऐसे फ्री नहीं हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे तो लरस जाओगे, इनकी तो नैया टूटी हुई होती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, हालांकि पैसा ज़्यादा होता है, सब कुछ होता है, पर डे मैच का, पर मैच का भी पैसा मिलता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी पैसा मिलता है, ABC कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये तो इतने बंधे हुए होते हैं, इतने बंधे हुए होते हैं। मैं तुम्हें एक वीडियो पोस्ट करूँगा कि मैंने कहा कि यार हमारे ग्रुप के लिए शुएब एक मैसेज दे दो, तो इसने मुँह इधर किया उधर किया, मुझे मरवाएंगे PCB से, नहीं मैं नहीं कुछ बोलूँगा राजू अंकल प्लीज़ कमरा अब मोबाइल बंद कर दीजिए अपना ये वो, तो मैंने उतना तक तो रिकॉर्ड कर लिया था, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं तुम लोगों को यहाँ पोस्ट कर दूंगा वो देख लेना। तो ये जो ग्रुप बंदी है ये आपकी टीम को लेके बैठ रही है, अकेला सरफराज बच्ची बेचारा खड़ा हुआ है, वो
क्या मतलब, मैंने उसको कई दफ़ा कहा है कि तुम इमरान खान बन जाओ, हर एक की माँ बहन एक कर दो तुम, कोई अंदर अपने एक वो पैदा करो, वो नहीं कर पा रहा, मारा जाएगा वर्ल्ड कप से आके, उसको हटा देंगे ये, आई नो दैट, मगर मैं ये इंश्योर करूँगा कि इमाद को कैप्टन ना बनने दूँ, ये मेरा मिशन है। मैं देखता हूँ इमाद कैसे कैप्टन बनता है और इंजमाम कैसे रहता है सिलेक्शन कमेटी का हेड, इंजमाम को भी बूट आउट कराऊंगा मैं, ये मेरा मिशन है। और मैं आई एम वेरी क्लोज टू इमरान थ्रू समबडी हु इज़ माई 55 साल पुराना दोस्त नईमुल हक। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह इन लोगों की ऐसी तैसी फिरवाऊंगा। आई विल गो एंड स्पीक टू इमरान माई सेल्फ।